हेलो एवरीवन, ईट यम्मीशियस पर आपका स्वागत है। आज हम कुरकुरी और टेस्टी बाजार जैसी बेसन की चकली बनाएंगे। चकली की ये खासियत होती है कि ये एकदम कुरकुरी होती है, इसमें बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं होती है, जिसके लिए सिर्फ छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना होता है, बाकी बहुत आसान होता है इसे बनाना। और इसका दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये कई दिनों तक के लिए हम रख सकते हैं, ताकि जब कभी भी भूख लगे तो फटाफट से कुछ बनाने की जगह पर हम तुरंत ही चकली खा करके अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह की चकली को हम बनाना शुरू करते हैं। बेसन की चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है, और बेसन फाइन होगा या थोड़ा सा दरदरा भी होगा तो आप उसे छान करके यूज़ कर सकते हो। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार, और कुछ सूखे मसाले मिला लेते हैं। तो मैंने इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। चुटकी भर इसमें हींग डालेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए, और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून तिल डाले हैं मैंने। अब इसमें मैंने ये 1 कप चावल का आटा डाल दिया है, और इन सभी सूखी चीज़ों को हम अच्छे से चम्मच से मिला लेंगे। सभी चीज़ों के साथ इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, और इस चकली को कुरकुरी बनाने के लिए इसमें हम मोयन के लिए तेल डालेंगे, जो कि हम 2 टेबलस्पून डालेंगे। और बेसन में इस तेल को हम अच्छे से हाथों से मसलते हुए मिला लेंगे इस तरह से, देखिए। अब हम चकली के लिए आटा गूंथेंगे, जिसके लिए हम गुनगुने गर्म पानी का यूज़ करेंगे, और पानी इसमें कम या ज़्यादा हो सकता है, बस हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाएंगे और इसका सेमी सॉफ्ट आटा हम गूंथ लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, हमारा चकली का आटा बिल्कुल अच्छे से तैयार है, जो कि ना तो ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है ये चकली बनाने के लिए। तो अब हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो अब हम इसकी इंस्टेंट चकली बना लेंगे। तो मैं इसे इस तरह से रोल की तरह शेप दे दूंगी, ताकि इसे हम इजीली चकली मेकर में फिल कर पाए। तो इस तरह से दबाते हुए इसका हम एक रोल बना लेंगे पतला सा। अब मैंने यहाँ पर ये चकली मेकर लिया है, जिसे सेव मेकर भी बोलते हैं, जिसके नीचे मैंने चकली बनाने की जाली लगा ली है। अब हम इसे अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे, अच्छे से अंदर तक इसके तेल लगा लेंगे थोड़ा सा। इसमें अच्छे से तेल मैंने लगा लिया है, ये देखिए। अब ये जो बेसन का रोल हमने बनाया है, ये हम इसमें अच्छे से दबाते हुए फिल कर लेंगे, और फिर इसे हम इस तरह से बंद कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर चकली बनाने के लिए चकली मेकर का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार है। अब हम चकली बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक पार्चमेंट पेपर या एक प्लास्टिक के पॉलीथीन पर हम इस चकली मेकर से अच्छे से गोल गोल घुमाते हुए चकली बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो चकली मेकर से चकली बनाना बहुत इजी हो जाता है, और इसकी शेप भी बहुत अच्छे से आ जाती है। ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ इस मशीन को प्रेस करना है और हमारी गोल गोल चकली बन करके तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से घुमा लेंगे, और आप चाहो तो छोटी साइज में बड़ी साइज में चकली को बना सकते हो, ये देखिए। और फिर इस तरह से रोल करते हुए इसके सिरे को हम कट कर देंगे उंगली से, और फिर इसे हल्के हाथों से हम चिपका देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी एक बेसन चकली तैयार है। इसी तरह से हम बाकी सभी बना लेंगे। अब अगर आपके पास ये चकली मेकर नहीं है, तो फिर काफ़ी पहले मैंने बिना मशीन के चकली बनाने का बहुत आसान तरीका बताया है, आप चाहो तो वो वीडियो देख करके इस तरह से चकली को बना सकते हो, और वो वीडियो बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए अगर आपके पास ये मशीन नहीं है। तो अभी मैंने कुछ चकली को इस तरह से शेप दे दिया है, तो पहले हम इन्हें फ्राई कर लेंगे और बाकी की चकली हम बाद में बना लेंगे। तो इस तरह से हल्के हाथों से हम चकली को उठाएंगे, और मैंने पैन में तेल को पहले से ही मीडियम आंच पर गर्म कर लिया है, तो इसे हम तेल में डाल देंगे डायरेक्ट। बेसन की चकली को फ्राई करने के लिए तेल ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही एकदम ठंडा होना चाहिए। आप देख सकते हो कि तेल एकदम परफेक्टली मीडियम हॉट है, तो इसी तरह का तेल होना चाहिए इन चकली को फ्राई करते टाइम। और एक एक करके हल्के हाथों से हम बनाई हुई चकली को इसमें डाल देंगे, और ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे, पहले हम इन्हें थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। अब ये चकलियों को फ्राई होते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, और इतनी देर में अब ये एकदम सॉफ्ट नहीं है, तो हम इसे चम्मच से इजीली हल्के हाथों से पलट लेंगे, और दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ जाए और ये कुरकुरी हो जाए, तब तक हम फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए, इनका जो कलर है ये एकदम परफेक्टली लाइटली गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो हमें इन्हें इतना ही कलर आ जाए तब तक ही फ्राई करना है। अगर इसे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो फिर जो चकली है वो बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाएगी। तो बस इसे अब हम निकाल लेंगे किचन टिश्यू पर, और सभी जो चकली है वो हम इसी तरह से तलेंगे तेल में। चकली को फ्राई करते टाइम पर अगर आपको लगे कि तेल ज़्यादा गर्म हो गया है, तो फिर आप गैस फ्लेम को स्लो कर देना, क्योंकि अगर इसे ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई करेंगे तो चकली बाहर से तो कलर चेंज कर लेगी, लेकिन अंदर से ये एकदम सॉफ्ट रह जाएगी।
और ये बात का भी आप जरूर ध्यान रखें कि बेसन और चावल का आटा परफेक्ट मेजरमेंट के साथ लेना है, तभी जो चकली है वो एकदम कुरकुरी बनेगी। तो मैंने ऑलमोस्ट सभी चकलियां बना ली है और अब हमारी कुरकुरी बेसन की चकली खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, जो कि एकदम कुरकुरी और क्रिस्पी है, साथ ही साथ काफी टेस्टी है। बेसन का और मसालों का काफी अच्छा टेस्ट है। ज्यादा मसाले इसमें मैंने नहीं डाले हैं, लेकिन आप चाहो तो इसमें गरम मसाला पाउडर और मिला सकते हो, और नमक मिर्च भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। और बाकी की बची चकली को मैं अच्छे से ठंडा करके एक एयर टाइट कंटेनर में भर लूंगी, ताकि महीने भर तक के लिए हमारी चकली चलती रहे और हम खाते रहे। तो आप भी इस तरह से चकली को बनाइए, खाइए, सभी को खिलाइए। और अगर आपको मेरी ये बेसन चकली की इजी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल ईट यम्मीशियस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपीज मिलती रहे। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस कुरकुरी चकली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मीशियस।